उस फिल्म के माध्यम से आपने जो ये बेड़ा उठाया है बहुत ही बड़ा काम है। ऐसा बिल्कुल गलत है कि बहुत सारा पैसा खर्च करने से बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, ऐसा कतई नहीं है। बहुत ऐसे ग्रामीण रूरल एरिया में ऐसे स्कूल चलते हैं जहाँ पर बहुत कम फीस ली जाती है और वहाँ के यदि रिजल्ट उठाए जाएँ तो 100% हैं और वहाँ पर बच्चे हायर एजुकेशन में भी हैं। और दूसरी बात, वहाँ से सरकारी विभागों में और प्राइवेट बड़ी कंपनीज MNCs कंपनी हैं उनमें उनका चयन हुआ है। तो ये कहना कतई गलत है कि बहुत सारा पैसा करने से एक अच्छी शिक्षा मिल पाती है। विगत वर्षों के यदि CBSE के को छोड़कर राजस्थान बोर्ड या जो स्टेट बोर्ड हैं इनको यदि अपन उठाएं, इनके रिजल्ट्स को देखें, तो हमें पता चलेगा कि रिजल्ट्स की जो 10th और 12th की जो पहले जो जितना परसेंटेज ज़्यादा होता था वो निरंतर गिरता जा रहा है। उसका कारण यही रहा कि बच्चा बोर्ड में 8th में फेल नहीं होता है और उसका जो माइंड है वो बिल्कुल पढ़ाई से हट जाता है और पढ़ाई की जगह वो अन्य चीज़ों में, गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसको समय ज़्यादा मिलता है और उसके ऊपर इतना वर्डन भी नहीं होता, पेरेंट्स भी थोड़े फ्री हो जाते हैं और टीचर्स भी इतना ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए ये मानना बिल्कुल गलत है कि 8वीं बोर्ड को बोर्ड में फेल किया जाना गलत नहीं है। 8वीं बोर्ड में फेल होना चाहिए, करना चाहिए, जिसके कारण एक अच्छा रिजल्ट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में और बच्चा भी अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा अवेयर रहेगा। स्कूल सारे संचालक हों चाहे अध्यापक हों, क्लासों में जाते हैं और उसके बाद जब उनका समय 5.5 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। इसका कारण, मूल कारण यही है कि आज का दिन हमारा निकल गया। इसका मूल कारण यह है कि सभी लोग आज जो शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, संचालक हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि बच्चों कुछ कह नहीं पाते, रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते, फिर पेरेंट्स उनके ऊपर आकर चढ़ते हैं, इससे उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे संस्कार डालना बहुत ही आवश्यक है जिसके कारण बच्चे पढ़ें और उनको यदि डांट मारपीट नहीं हो लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ ऐसे पाबंदियां लगाई जाए जिसके कारण वो अपने फ्यूचर के बारे में अवेयर हो सके। अजीत सिंह जी के द्वारा जो बनाई जा रही अनमोल भैया, उस फिल्म के माध्यम से आपने जो ये बेड़ा उठाया है बहुत ही बड़ा काम है और आपने इसको जिस स्तर से लिया है, मैं मानता हूँ कि सभी डायरेक्टर्स को अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एक कार्यक्रम, एक निश्चित समय सीमा जिस समय ये मार्केट में रिलीज होगी उस समय सभी डायरेक्टर्स को, अपने बच्चों को, जितने भी हैं स्कूल्स के बच्चे, उनका एक कार्यक्रम तय करके उनको फिल्म को दिखाया जाना चाहिए और एक शानदार फिल्म अजीत सिंह जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा बनाई जा रही है, इसको सभी को दिखाया जाना चाहिए। इसका मूल कारण है कि उसका जो रेस्पेक्टेशन है वो कम हो गई है, तो वो सरकारी नौकरी में ज़्यादा जाना चाहता है, क्योंकि अब जो बच्चों की मारपीट के और अनेक प्रकार के प्रकरण इस प्रकार के देखने को मिलते हैं जिसके कारण टीचर लाइन में कोई आना नहीं चाहता, डरा हुआ सा महसूस करता है अपने आप को, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैंने कई जिला शिक्षा अधिकारियों से इस प्रकार की चर्चा की है और मैंने इन बातों को वहाँ अधिकारियों तक पहुँचाया भी है, जिसके माध्यम से कहा गया है जो डमी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है वो नहीं दिया जाना चाहिए और उनको बंद किया जाना चाहिए इस प्रकरण में। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंस्टीट्यूट में यदि 6 से बच्चा वहाँ जाता है तो यदि किसी बच्चे ने स्कूल किया है और किसी ने कोचिंग में 6 से 12th किया है तो आप दोनों में मापदंड देखेंगे तो 100% जिस बच्चे ने स्कूलिंग किया है वो बच्चा सक्सेस हुआ है और कोचिंग वालों के तो बारे नारे हैं लेकिन बच्चे की ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि उन्होंने उस समय में उस बच्चों को इतना दिमागी प्रॉब्लम में ला दिया, इतना बड़ा काम देने की कोशिश की जिनका उनका दिमाग उसके लिए तैयार ही नहीं है। स्कूल के अंतर्गत समग्र विकास होता है और स्कूल में पढ़ना आवश्यक है छात्र के लिए।
सर, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स हमारे पास में इस तरह का गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे पेरेंट्स को बिठाकर एक बार काउंसलिंग कराई जानी चाहिए कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम आपके बच्चे को एक बच्चे की ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो आपको निकटतम सरकारी स्कूलें दूर हो सकती है, उनमें असुविधाएँ भी हो सकती है, हम सारी सुविधाएँ आपको बहुत ही कम दूरी पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हंड्रेड परसेंट हम दिखाएंगे, और ये अनमोल भैया जो आपने बनाई है, अजीत सिंह जी ने बनवाई है, ये बहुत अच्छी फिल्म है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे स्कूल के सारे बच्चे जो 1200-1300 बच्चे हैं वो सारे बच्चे इस फिल्म को जाके देखें, और उसके लिए मैं स्वयं अपने प्रिंसिपल के माध्यम से इस फिल्म को पूरे बच्चों को दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत ही एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और ऐसा काम आप आगे भी करते रहें, आपका स्कूल, विद्यालय और हमारे एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं वो आपका सपोर्ट करेंगे, और उन बच्चों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है जो इस फिल्म को देखेंगे, पेरेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, उन बच्चों को वापस उस ट्रैक पर लाने का काम जो आप कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये फिल्म जो अनमोल भैया 31 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, ये मैं सभी स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा, और सभी डाइट्स मेरे दोस्त हैं उन लोगों को भी मैं बोलूंगा कि आप अपने स्कूल के बच्चों को अनमोल भैया दिखाएं। बहुत ही अच्छी मूवी है, इसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और सुना समझा है, इसलिए बहुत अच्छी फिल्म है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अनमोल भैया को 31 अगस्त को रिलीज़ होने के बाद तुरंत प्रभाव से आप बच्चों को ले जाएँ और इस फिल्म को दिखाएँ।